नमस्कार, मैं कुछ हूं नहीं आपके अभी साथ आते किशन हैं। प्रताप। आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। एसबीएन टाइम्स में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार सिंह। सर, एसबीएन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सवाल है एक, बाकी प्रदेशों के मुकाबले कोरोना से उत्तराखंड बहुत सुरक्षित है, ऐसे में आपने सर क्या इंतजाम किए हैं? देखिए उत्तराखंड शुरू से बहुत ही थोरोली और मेटिकुलसली चला है और जी उसमें हम लोगों ने हर रूल को फॉलो किया है और उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया है। पूरे लॉकडाउन को और अनलॉकडाउन को भी पूरी प्रिकॉशन से हम लोग पूरी चेकिंग करते हैं, पूरा एक एक चीज को फॉलो करते हैं। जिनको क्वारंटाइन होना होता है उसको क्वारंटाइन कराते हैं, उसको भी फॉलो करते हैं कि बाद में कि प्रॉपरली होम क्वारंटाइन है तो भी फॉलो करते हैं कि होम क्वारंटाइन होकर बाहर तो नहीं घूम रहा है। तो ये सारे स्टेप्स हमने सीरियसली लिए हैं और मेटिकुलसली लिए हैं। मुझे यहाँ तक बहुत लोगों ने बोला है, इवन आर्मी ऑफिसर और बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि उत्तराखंड में प्रॉपर चेकिंग होती है, बाकी जगह तो मूव करते रहे तो पता भी नहीं चलता। बहुत अच्छा सर। अगला सवाल है सर, दुर्गम पहाड़ों जंगलों से घिरे उत्तराखंड में भारी अपराधी शरण नहीं ले पाते हैं, सर आपने इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं? देखिए हमारा जो है यूपी से बॉर्डर है अधिकांशतः, और फिर एक तरफ हिमाचल से और एक तरफ नेपाल से भी है। तो हमारी क्रिमिनल वाली प्रॉब्लम मोस्टली यूपी के साथ जुड़ी हुई है। तो जो हमारे चार जिले हैं नीचे के जो मैदानी जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इसमें समस्या रहती है कि बॉर्डर से जो बॉर्डर तो खुले हैं नॉर्मली, तो कोरोना को छोड़ दीजिए आजकल, अदरवाइज बॉर्डर में आना जाना तो बैंड है नहीं विद इन द कंट्री, बाहर के कंट्री वाले को जी बैंड, उसको पासपोर्ट चाहिए। तो इसलिए जी ये हमेशा संभावना तो बनी रहती है कि भाई वो अपराधी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा करके छिप सकता है, और अपराधी बिल्कुल बॉर्डर का हमेशा फायदा भी उठाते हैं। एक जगह क्राइम करेंगे दूसरी जगह चले जाएंगे, तो FIR भी नहीं लिखी जाती आधी बार, या एक एक जिले का दूसरी जगह फेंक देंगे, इस तरह भी करते हैं कई बार। तो उस संभावना के बावजूद हम लोग मेटिकुलसली थोरोली अपनी क्राइम प्रिवेंशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और हमने हमारा वर्कआउट रेशो 80% से भी ज्यादा है, जो बहुत ही रेयर होता है। मतलब कोई भी लूट डकैती है, हम हर हालत में मर्डर है, हम सबको वर्कआउट करके रखते हैं। तो अपराधियों को पता है कि उत्तराखंड पुलिस बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, और इसके जाल से वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो डर उनके अंदर है, उत्तराखंड पुलिस छोड़ेगी नहीं आखिर तक। बिल्कुल सर, मुझे उम्मीद भी है सर। वैसे जी अगला सर सवाल है सर, भौगोलिक स्थिति विषम है उत्तराखंड की, पुलिस यहाँ नियमित गश्त कैसे करती है सर? देखिए जो पहाड़ के एरियाज हैं, जो भौगोलिक स्थिति जिनकी ज्यादा विषम है, लकीली उन क्षेत्रों में क्राइम कम है, तो वहां क्राइम की दृष्टि से वैसी उतनी पेट्रोलिंग की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जी वहां पे आपदा ग्रस्त बहुत अच्छे थे, लैंडस्लाइड आते रहते हैं, तो उस दृष्टि से हम हाईवे को पेट्रोल कराते हैं। तो हमने हाईवे पेट्रोल यूनिट बनाई है मोटरसाइकिलों की, जिससे कि हर हाईवे पे हमारी एक मोबाइल रहती है, वायरलेस के साथ रहती है, और उसको डायल 112 से जुड़ी रहती है, तो वो मोबिलिटी हमारे काम आती है। बाकी मैदानी जिलों में जैसे पेट्रोलिंग और जगह होती है बाकी पूरे देश में या यूपी में, वैसे ही यहाँ पर होती है, और वो ज्यादा मैदानी जिलों का जो भौगोलिक परिस्थितियां इतनी खराब नहीं है, जो हिल्स में ज्यादा खराब है, पर लकीली वहां क्राइम कम बिल्कुल। है। अगला सर सवाल है सर, उत्तराखंड की पुलिस को पुलिस मित्र भी कहा जाता है, पुलिस के इस मित्र के साथ सर क्या मतलब क्या है सर इसका? देखिए इसका मतलब है कि उत्तराखंड पुलिस आम जन की मित्र है। हमारा जो लोगो है, जो हमारा स्लोगन है, वो है मित्रता, सेवा, सुरक्षा। हम लोग आम लोगों से मित्रता से बात करें, मित्रता निभाएं, मित्रता रखें, सेवा करें, पीड़ित की सेवा करें, पीड़ित की मदद करें, विक्टिम की मदद करें, और लास्ट है सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा करें, अपने प्रदेश को क्राइम फ्री बनाएं, अपने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपने प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हो, तो वो हमारा सुरक्षा, जो तीनों हमारे स्लोगन है। तो मित्रता का मतलब ये है कि हम जो है आम आदमी के मित्र हैं, शरीफ आदमी के मित्र हैं, बदमाशों के जी मित्र नहीं है, बदमाशों के लिए बहुत हार्ड है हम लोग, ठीक है? तो बिल्कुल बिल्कुल ये सर। स्लोगन है। जी बिल्कुल।
सर ये किसने सर क्रिएट किया था सर, कि ये दिमाग में सर आपके ही आया था सर, आपकी टीम के सर? नहीं, ये तो उत्तराखंड पुलिस ने क्रिएट किया अपना स्लोगन सभी से राय लेकर के, तो मेरे अकेले के दिमाग की उपज नहीं है। नहीं कहीं हो सकता है सर, आपका सर जो एक्टिविटीज है सर बहुत रहती है सर, हो सकता है सर आपने ही इस चीज को क्रिएट किया नहीं, हो। वो ऐसा कोई क्रेडिट नहीं मैंने क्रिएट किया और नहीं मैं क्रेडिट लेना चाहूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल सर। सर मैंने अगला सर किताब लिखी सवा है, मैंने जी किताब लिखी है खाकी में इंसान, तो जी उसमें ये जरूर मैंने कोशिश की है कि पुलिस में इंसानियत बनी रहे, ह्यूमैनिटी का टच बना रहे, और फिर सारी पुलिस को हम वही सीख देते रहते हैं ऑल सर, थ्रू। अगर सर इस किताब को कोई पढ़ना चाह रहा हो तो सर किस किस पे, अमेजोन पे है, किस पे है, किस किस पे उपलब्ध हो सकती है सर? अमेजोन पे मिल जाएगी आराम से, ओके, खाकी में इंसान। खाकी में इंसान या ह्यूमन इन खाकी, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी ओके ओके सर, अगला है। सर सवाल है सर, अपराध के साथ साथ आपको आपदा से भी लड़ना होता है सर, इस जिसमें सर भूस्खलन बाढ़ जैसी घटनाएं शामिल हैं, क्या विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है पुलिस बल को? देखिए, पहले हमारे यहाँ SDRF नहीं थी, स्टेट जी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो वो 2013 में क्रिएट हुई। उससे पहले हम लोगों ने जो चार धाम यात्रा होती है उसके पहाड़ी रास्तों पे आपको पता है लैंडस्लाइड आते रहते हैं, दूसरी जो है रास्ते संकरे थे, तीसरा खाइयां बहुत गहरी होती हैं, कहीं कहीं 500 मीटर तक गहरी खाई होती है, अगर उसमें गाड़ी गिर जाए तो बचना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी एक आध बस दुर्घटना हो जाती है तो 30 30 40 40 आदमी तक की भी मृत्यु हुई है। तो ये जो रास्तों की भौगोलिक परिस्थितियां हैं इनको देखते हुए जब मैं IG गढ़वाल था तो हमने अपने थानों के हर थाने से और चौकी से एक टीम को आपदा प्रशिक्षण दिया था, जी पूरा माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण दिया था, जिससे वो रस्सों से रैपलिंग के सहारे नीचे उतर सके, खाई में जा सके, नदी तक जा सके, गाड़ी को, आदमियों को, बचे हुए आदमियों को, घायलों को निकाल सके। अब हमारी 2013 जब केदारनाथ जी के आपदा के बाद SDRF गठित हो गई है तो वो एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, स्पेशलाइज्ड जी फोर्स है। हम ही ने PAC में से जवानों को निकाल के बिल्डिंग को उसमें डाला, उनको ट्रेन किया। अब वो हर तरह की आपदा से निपटने में पूरी तरह से प्रशिक्षित है, पूरी तरह से सक्षम है, और साथ ही साथ वो लोग हमारे बाकी पुलिसकर्मी जो थानों के, चौकियों के, PAC के, उनको भी लगातार प्रशिक्षण देते रहते हैं। हमारे पास बाढ़ राहत की विशेष दो कंपनियां हैं और जी SDRF की टीमें अलग हैं, हमारे पास गोताखोर हैं जो नीचे तक जाकर के ढूंढ लेते हैं, तो हमारी कैपेबिलिटी आपदा से लड़ने की क्षमता काफी ज्यादा हमने ग्रो की है पिछले 7 सालों में। एक टीम में सर मेंबर कितने होते हैं सर इसमें? हाँ इसमें एक टीम में जी, आपने बोला था सर दो दो टीमें मैंने गठित की है इसके लिए, कई आप कई टीमों के लिए सर, इसमें कितने मेंबर रहते हैं सर इसमें? नहीं, टीमें तब हमने जब जब SDRF नहीं थी तब हमने हर थाने हर चौकी पे एक एक टीम बनाते थे, तो चार पांच लोगों की टीम होती थी। अब जो SDRF है इसकी टीमें बड़ी हैं, जी इसकी टीमें बड़ी हैं और इसमें 15 से 20 आदमी भी होते हैं इस टीम में, तो जी वो इसलिए हमारा और रिलीफ वर्क, रिहैबिलिटेशन वर्क जो है 2013 के बाद और बेटर हुई है हमारी क्षमता। जी सर, अगला सवाल सवाल है सर, आपने उत्तराखंड पुलिस को सोशल मीडिया पर सक्रिय करने बड़ी भूमिका निभाई, क्या लाभ हुआ सर इसका अब तक? देखिए, आज का जमाना, आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी सोशल मीडिया को लोग बाग पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी यूज करते हैं, आपको पता है। पॉजिटिवली ये कि आप सकारात्मकता को दुनिया में फैलाएं, अपने पॉजिटिव कामों को दुनिया में फैलाएं, तो और आप अपने दोस्तों से, फैमिली से, परिवार से, जो आपके दूसरे प्रदेश में हैं, दुनिया के दूसरे सिरे पे, उन सबसे कनेक्टेड हों, जुड़े उनसे, ये तो इसके, और इसके थ्रू आजकल पूरी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, पढ़ाई सब इसके थ्रू होने लग गई है इंटरनेट के थ्रू। किंतु इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो फेक न्यूज को फैलाना, हेट्रेड फैलाना, तो वो जी सब बहुत ही इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से उत्तराखंड पुलिस को हमने एक्टिवेट किया, जिससे हम ये नेगेटिव न्यूज को काउंटर कर सकें, फेक न्यूज को काउंटर कर सकें और जो है समाज में पॉजिटिविटी फैलाएं। आपने सर एक नियम भी लागू किया था सर, NSC सोशल मीडिया के लिए सर, उत्तराखंड पुलिस ने सर, क्या दोबारा बताएं? सर आपने एक नियम भी लागू किया था NSA का, नहीं, मैं अगर कोई समझा नहीं ऐसा सोशल, मैं। हाँ आपने सर जो नियम था सर उसका मतलब, जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलेगा, उस अफवाहें फैलाएगा सर उसमें NSA लगेगा, उसमें हाँ सर अब नहीं, तक NSA नहीं था, NSA तो नहीं था वो, पर यह कि जो भी सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और यदि
सोशल मीडिया पे फैलाई गई अफवाह की वजह से कहीं किसी क्षेत्र में लोक व्यवस्था भंग होती है, क्योंकि एनएसए के लिए वो ग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट बहुत जरूरी है, कहीं लोक व्यवस्था भंग होती है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अभी तक हमने कोरोना डेज में ही यानी कि 4 महीना हुआ है अभी, आपको पता है 4.25 महीना, 211 लोगों के खिलाफ, जी 211 लोगों के खिलाफ अफवाह फैलाने में कार्रवाई की है अब तक सर, अब तक 4.25 महीने में। सर एक सर सवाल है सर उत्तराखंड पुलिस का। सर उत्तराखंड पुलिस की नियमावली की एक ऐसी शिकायत है कि पीएसी के कांस्टेबल आजीवन सिपाही रह गए, ऐसी नियमावली क्या बदलने योग्य नहीं है क्या सर? नहीं, अब तो ऐसा नहीं है, आजीवन सिपाही नहीं रहेंगे, अब तो प्रमोशन से सीनियोरिटी से हेड कांस्टेबल बनेंगे 50% लोग, तो आजीवन सिपाही तो नहीं रहेंगे, तो पक्की बात है। बाकी उनको एक तो एग्जाम के थ्रू प्रमोशन का मौका मिलता है सीनियोरिटी के थ्रू, तो सीनियोरिटी के थ्रू हर हालत में हेड कांस्टेबल बनेंगे, और कुछ लोग सीनियोरिटी से सब इंस्पेक्टर भी बनते हैं, बन रहे हैं। नहीं क्या है कि सर जब उत्तराखंड पुलिस के प्रमोशन की नियमावली उत्तर प्रदेश वाली है तो 1989 में भर्ती तमाम कांस्टेबल ही कैसे रह गए, 2009 के कांस्टेबलों को सर सर प्रमोशन मिल गया? देखिए, हमारे कांस्टेबल जो है जब वो हेड कांस्टेबल पे आते हैं तो 50% रैंकर एग्जाम के थ्रू होता है और 50% सीनियोरिटी से होता है। तो रैंकर एग्जाम में कोई भी कांस्टेबल जो 3 या 5 साल की सर्विस पूरी कर चुका है वो बैठ सकता है। तो वो इसका मतलब हमने दूसरा एक एग्जाम क्लियर किया जो 2009 वाले बने होंगे, दूसरा एक एग्जाम क्लियर किया तब वो हेड कांस्टेबल बने। जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं फिर वो सीनियोरिटी से बनते हैं। तो सीनियोरिटी में अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है, बट मुझे लगता है बहुत जल्दी 2000 के बाद वाले भी बनने लगेंगे, बहुत जल्दी, विद इन 1 ईयर। बिल्कुल सर, मेरी भी सर बिल्कुल आशा रहेगी, क्योंकि सर ये उत्तराखंड पुलिस का ही सर सर सवाल था सर जो मैंने आपको बताया था सर। जी हो सकता है जी कभी जी कभी नहीं आप तक ऐसी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर मुझ से एक तक बार सब सवाल हो पहुंचता सकता है, है। मुझ तक सब नहीं पहुंचता है, बिल्कुल सर, सर क्योंकि मैं उत्तराखंड सबसे की बात जन करता हूँ। जी, मैं देखता रहता हूँ सर आपके सोशल मीडिया का। जब मैंने रिसर्च किया तो सर काफी आपके बारे में देखने को मिला, सर काफी एक्टिव सर रहते हैं सर। मुझे ऐसा लगता है सर उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड की बात करूँ तो सर उसमें सर आपका ही नाम आता है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो भी पद पे होगा उसका नाम आएगा। जी उत्तराखंड की सर जनता के लिए क्या सर क्या अपील करना चाहेंगे मतलब मेरे द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा सर? हमारी तो यही अपील है कि सकारात्मक कामों में पुलिस का सहयोग करें, और जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, ड्रग्स के अगेंस्ट, उसमें पुलिस का सहयोग करें, साइबर क्राइम के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने में पुलिस का सहयोग करें, और अगर कोई भी लगता है कहीं गलत हो रहा है तो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें मैसेज भेज सकते हैं, हम उस पर एक्शन लेते हैं। सर सोशल मीडिया पे सर जैसे अगर कोई संपर्क करना चाहे आपसे सर कैसे संपर्क किया जा सकता है सर? ट्विटर है केवल? उत्तराखंड उत्तराखंड पुलिस पेज पे कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे कर सकते हैं, सब पे हम लोग कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करते हैं, कंप्लेंट भी भेजनी हो उसको भी लेते हैं, हमारी ईमेल भी है। ओके ओके सर, आपने सर जो कीमती सर समय दिया है सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्लीज, थैंक आशा करूंगा सर आपसे जल्द मुलाकात रहेगी और सर आपके बारे में यू। जी विस्तार से अपने चैनल में बता सकते हैं सर। जी थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू सर। यू।